सारी तुम्हारा कौन सा प्रैंक है जो कभी फुस नहीं हुआ, हमेशा फुस ही हुआ। मजे का होने वाला है क्योंकि आज मैं सबके साथ करने लगी हूँ बहुत ही अमेजिंग प्रैंक। क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि हम सब फैमिली जो हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद फॉर अ ट्रिप, ठीक है। तो हम लोग मतलब अभी निकलेंगे 5 बजे, अभी रात का टाइम है, आपको दिखा दूँ क्या हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 4:30, ठीक है। पूरे 5 बजे जो है हम लोगों ने निकल जाना है, तो अभी सब ने पैकिंग कर ली है, मैंने भी कर लिया, सब ने कर लिया, ठीक है। और अभी सब निकलने के लिए तैयारियों में, तो मैं इस टाइम पे करूँगी सबके साथ प्रैंक कि मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरी क्लास है और मेरा एग्ज़ाम है। मैं इस तरह का प्रैंक करें क्योंकि मेरी समर क्लासेस तो चल रही हैं, ठीक है। तो मेरा एग्ज़ाम अभी कुछ हफ्तों बाद है, बट मैं इनको बोलूँगी मेरा एग्ज़ाम जो इसी फ्राइडे को है, अभी सर का मैसेज आया, तो ये वो, तो देखते हैं कि सबका क्या रिएक्शन होता है। बहुत मज़ा आया क्योंकि इस प्रैंक में किसी को ऐड नहीं करी अपने साथ, तो ये मैं अकेली प्रैंक करूँगी। तो ये क्या इधर, तो ये जानव यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, फातिमा वो बैठी है, बैग्स वो रेडी है, और मैंने अपने साथ प्रैंक में ऐड करना है अपने पार्टनर को जो ये बैठा है। इसको मैं बताती हूँ सब। आपी यस, आपी जो सेल्फीज बनाने लगी, आपी फोटो दिखाओ चंचलिया अच्छी है। मैंने आपसे ना एक प्रैंक शेयर करना है, ठीक है। मैं सबके साथ करने लगी हूँ प्रैंक। इस वक्त रब है फिर प्रैंक, बड़ा मजे का इसी वक्त के लिए प्रैंक है। बताऊँ क्या प्रैंक ये है कि मैंने सबको कहना है कि मैंने नहीं जाना, मेरी यूनिवर्सिटी है फ्राइडे को, मुझे उसके लिए लेकिन आपकी हेल्प चाहिए। तो करोगी हेल्प? असली में नहीं जाना चाह रही हूँ। नहीं जाना तो है, पागल हूँ मैं, छोड़ूंगी अपॉर्चुनिटी, जाना है लेकिन वैसे क्या। मतलब सीन ये है कि तुम घर वालों को ये शो कराना चाह रही हो कि तुम नहीं जा रही, नहीं जा रही मेरी यूनिवर्सिटी है, यू कांट गो क्योंकि तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ गई। और वो कोई तो खाली यूनिवर्सिटी पे तो लोग छुट्टी भी कर लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं। मैं बोलूंगी मेरा एग्जाम है, लेकिन मुझे आपकी हेल्प पता क्यों चाहिए, क्योंकि मैं खुद व्लॉग बनाऊंगी, उनको शक हो जाएगा। तो आप व्लॉग तो ऑलरेडी बना रही हो, तो आप बनाना बीच में ये और आबिया का ये होगा ताकि उनको नेचुरल लगे सब। तो रेडी आएगा ना व्लॉग? यस, प्रो मैक्स व्लॉगर को मैंने अपने साथ ऐड कर लिया। पता है मैंने जिंदगी में पहले प्रैंक में किसी आपको ऐड किया, पता है? पहले मैं अपने प्रैंक में आप ही को ऐड नहीं किया, मतलब मैंने तो एक बार आपके साथ प्रैंक किया लेकिन ऐड नहीं किया। मैंने जिंदगी में अप्रैल फूल का एक प्रैंक करना चाहा था, तो वो भी मैंने खराब कर, इसने खराब कर दिया, मगर वो बहुत मजे का, बहुत मजे का। तो अब ये वाला भी देखते, ये वाला मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी इंशाल्लाह। और मैंने चेक करना कि ये लोग मुझे छोड़ के जाते हैं या फिर नहीं, अपने माँ बाप मौसम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अपनी फैमिली की मैंने देखी है मुझे कितना प्यार करते हैं लोग। फैमिली का लॉयलिटी टेस्ट। हाँ लॉयलिटी टेस्ट है ये। तो रुको जरा, सबर करो। फैमिली का लॉयलिटी क्या क्या बोला तूने? फैमिली का लॉयलिटी टेस्ट। फैमिली का लॉयलिटी टेस्ट, लॉयलिटी बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फैमिली का लॉयलिटी टेस्ट। तो अब कैमरा जो है वो मैं आप ही के हैंड ओवर कर रही हूँ, और मैं जाकर करने लगी हूँ प्रैंक स्टार्ट। क्या इससे क्या? नहीं नहीं, ये मुझे तो ये मैं पहनूंगी। टन टन टन, मैं हूँ राबिया की शरीकेकार, क्राइम इन पार्टनर, आज की प्रैंकस्टर इकरा से स्टार्ट लो जी। इसका टाइटल होना चाहिए इकरा और राबिया ने किया प्रैंक। कौन है ये लोग? ओके यार, तो कैमरा होने लगे आप ही के हैंड ओवर। आप ही, आपका ये प्लान है, आपने भी आहिस्ता बोलो, आप भी उनके साथ बाहर जाके बैठो, जाओ जाओ नेचुरल करो। तो कैमरा मुझे कौन पकड़ा? हाँ ये लो, खुद ही अपने हाथ में रखो ना। सो गाइस कैमरा मेरे हैंड ओवर है, और मैं कर रही हूँ अपना रेगुलर व्लॉग जो कि मैं कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के लिए। इसको क्या हुआ? यार मेरा फ्राइडे को एग्जाम है, नहीं तो तुमने कौन सा पास हो जाना है। गजब बेइज्जती है यार। मम्मा अभी मैसेज आया सर का, मैं क्या करूँ? सर ने तुम्हें रात के 4 बजे मैसेज किया? नहीं ग्रुप में भी हुई है, नहीं वो मुझे पता छुट्टी थी मेरी फ्राइडे का, लेकिन फ्राइडे को मेरा एग्जाम है, मैं क्या करूँ? राबिया जब यकीन करो ना, प्लान किया था डिग्री का, मतलब क्या होगा डिग्री? कौन सी डिग्री क्या पढ़ रही हो? मेरी फिल्म में तुम्हें मेरे व्लॉग से क्या मसला? अगर मैं कोई सिचुएशन जो है वो हो रही है मेरे घर में, मैं लोगों को दिखा रही हूँ। आ
वाह अबू चारा वाह क्या सीन है आप भी नहीं जाते बेटे हो गए तो यकीन करो इस सारी सिचुएशन में इस बंदी को जरा फर्क नहीं पड़ता जो तुम्हारे साथ बैठी बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो और मुझे बताओ मैं क्या करूँ तो हॉस्टल में रख दे फातिमा को साथ छोड़ दो एक दिन पहले दो दिन पहले वो नहीं बताते वो 3600 साल पहले अपनी नाइटियां चेंज करो जाके ऊपर बिस्तर पे सो बुकिंग वगैरह सब खत्म करो तो कोई गलती नहीं है ना तेरे साथ हर दफा ही ऐसे होता है हर दफा तेरे मुंह पे लिखा हुआ है कि रबिया के साथ कुछ और जाने को फर्क ही नहीं पड़ रहा राबिया नहीं जाएगी तो इकरा कवल नहीं जाएगी और ब्लॉग इसकी पुप्पा बनाएगी राबिया ने कहा कि ये लोग नहीं जाएंगे राबिया तो अपनी पूरी मस्तियां याशिया करती है सही बात की है पिछले व्लॉग गाइस निकाल के देखे इसके समर लगाओ छुट्टियां करो दोस्तों के साथ जाके बैठ लंच डिनर करो और शॉर्ट अटेंडेंस आए और समर लगे अच्छा सारी जिंदगी गुनाह खुद करे जनक जनुम का फैसला है बहने जनुम में दो दिन की बात कर रहे हैं जाना पेपर देने जो कैमरा ऑन कराया मुझे सारा पता तुम्हें व्लॉग की ये मेरा व्लॉग है इकरा कवल सिस्टरोलॉजी इतना बंद कर रही गाइस ये पता नहीं क्या है मैं हालांकि व्लॉग कर रही हूँ आपको एस्ट्रोलॉजी पर दिखेगा फोन करके पूछेंगे वो इसको रख लेंगे मम्मा नहीं मैं कह रही हूँ की हम लोग कुछ जल्दी हम दोनों घर रहते हैं हम दोनों रहते हैं इनको जाने दो मम्मा ये बात है हमने आपको सजाना इसलिए की बात है जा रहे मैं उसे अब थोड़ी अकेला छोड़ सकती हूँ क्या हम जब फैमिली पूरी जा पेपर नहीं है छोड़ सकती ये कह रही मैंने अपना ट्रिप छोड़ दिया पेपर नहीं छोड़ सकती पेपर जिंदगी में डिग्री है पैसा भी है यार कौन सी डिग्री है उन्हें को बाद में दे देंगे आके पेपर तो थिएटर पढ़ना भी डिग्री है मैंने तो इजी इसलिए इसे करवाया था कि अब आप ही के कैमरे के साथ लोगों के लग रहे हैं ना पैक लेकिन आप लोगों की शक्ल से आप ही यहाँ से जा रही है ठीक है मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग मैं क्या इसके अपना मसला सॉल्व करो अगर तुमने रोकना हुआ मुझे अपने साथ रोक लेना बेचारी ने पैकिंग का व्लॉग बना लिया सारे व्लॉग बना लिया और तेरा मसला शुरू हो गया पापा को मसले कर ले निकाल पापा जी आप ऐसा करें हम लोग फिर जल्दी वापस आ जाते हैं वापस आ क्यों जाना ही क्यों हुआ फिर फ्राइडे को फ्राइडे को आप अपनी बंद करो आप लोगों को प्रैंक क्यों लगता है मेरी हर चीज वो देख ले कैमरा उसका मेरा नहीं पापा जी आप ही का व्लॉग बन रहा है मेरा फोन है फोन भी मेरा ज़ैनब मुझे मेरा फोन दे गई है ₹200 और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह नहीं अगर प्रैंक नहीं है ना इसके यूनिवर्सिटी में
गाइस को पता लग गया लेकिन घर वालों को नहीं समझ आ रही। आपको पता है ऐसा हो सकता है कि राबिया हमारे साथ ना जाए। लेकिन मैंने आगे साल लगाई है। पापा ने कहा कि मैं राबिया घर से नहीं जाता, मम्मा मैं यही चेक करना चाहती थी। इसने कहा मैं जाऊंगी तुम्हारे पास भी। इसका भी नहीं, तुम गई हमने कुछ कहा। दिमाग लगा के देखो प्रैंक करता तुम बहने में से प्यार नहीं करते मैंने पता चल गया। मारो हमको मारो। राबिया के साथ ही प्रैंक हो गया। ओह माय गॉड। नहीं पापा ने कहा कि मैं इसको छोड़ के नहीं आज मैं भी साथ रह जाऊं। तो मम्मा ने भी कहा इसने नहीं कहा, उसने भी नहीं कहा, मैंने भी कहा कि मैं साथ, क्योंकि आपको तो पता था ना। हैरान होके बैठी हुई थी। हो गया इसको लगा ट्रिप भी कैंसिल हो गया। मुझे पता सब फुफ्फोर को छोड़ रहे मुझे। एक्टरों को छोड़ो, प्रैंकरों को, प्रैंकस्टरों को अवार्ड दो। इकरा कंवल और राबिया बसरी को मिलना चाहिए। मुझे लगा था कि आज आप के साथ प्रैंक करूंगी तो कामयाब होगा। आपको क्यों, आपने प्रैंक के साथ था, आप प्रैंक के साथ हो हमारे। मम्मा भी अच्छी, मम्मा को मम्मा कह रहे उनको भी हक चाहिए। मम्मा को हक चाहिए, मुझको मेरा हक चाहिए। भाई इधर तुम्हारा कैमरा मैन बनी हूँ। तो गाइस मेरा प्रैंक फूस हुआ, अगर किसी ने यकीन नहीं किया आईंदा से सोच समझ के प्रैंक करूंगी। राबिया तुम्हारा कौन सा ऐसा प्रैंक है जो कभी फूस नहीं हुआ, हमेशा फूस ही हुआ। बॉयफ्रेंड वाला इतना अच्छा गया था, मजा आ गया था उसमें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। पापा थक चुके हैं मेरे प्रैंक से कहते राबिया आप प्रैंकस्टर। और गाइस मेरा प्रैंक तो बहुत ही बुरे तरीके से फुस हो गया और अब ये पूरी मेरी जो फैमिली है हम लोग जाने लगे हैं। ठीक है, अब ये अपना रियल ब्लॉग वापस से बनाने लगी है। ठीक है, ये भी इसको साथ मिला ली। हाँ आपी को मिलाया था साथ में। नहीं मिलाया आपके साथ, मैं आपकी भी लॉयल्टी चेक ना ना मैं आपकी मिलाया ना आपी को बना ली। अच्छा समझ आ गई आगे कि आप ही ने व्लॉग बनाना था। हाँ। मैं बनाती थी, इनको शक होना। हाँ। आप ही को ऐसे कहता था कि आप अभी हम सब जो है ना यहाँ से निकलने लगे हैं तो आप लोगों से तो मुझे साथ। ठीक है मम्मा को मिलाऊंगी। डन डन। आप लोगों ने मुझे क्या करना है कमेंट से बताना कि मैं कोई अच्छा प्रैंक करूँ, क्योंकि प्रैंक मेरा बहुत बुरी तरह से फूस हो गया। सब ने यकीन, किसी ने यकीन किया, पता है क्यों नहीं यकीन करते लोग, क्योंकि कैमरा ऑन होता है। अगली बार मैंने करना कि कैमरा छुपाओ, कैमरा सबको आराम से पता चल जाता है। तो गाइज अब कोई और बताएं आप मुझे। और गाइज तो चलो सामान शामान पैक हो गया, अब निकलते हैं हम लोग ट्रिप के लिए। मेरी न्यू लुक आप लोग अच्छी लग, अच्छी तो नहीं है खैर, बहुत ही मैंने फनी लुक बनाई है। और ये चप्पल पहन के जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे चप्पल पहनते हैं। नहीं देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। और गैस इस गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं बहुत मुश्किल से फिट होने। आगे कौन बैठेगा वो भी डिसाइड करेंगे, पीछे हम सब फंस फंसा के बैठेंगे तो मजा आने वाला है। तो सात लोग इस तरह से इस गाड़ी में फिट हुआ। मैं राबिया इजी है, बाकी सब मैं इजी हूं, मैं साथ जाती हूं, जाती हूं। और गैस फाइनली हम लोग आ गए हैं भेरा में। ठीक है, सो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लग्जरी वॉशरूम अप्लाई करूँ। घर में राबिया मिलते नहीं है। चलो ओके, सब एज यूजुअल मैकडॉनल्ड्स खा रहे थे बट राबिया थोड़ी सी प्रोया, तो मैं जा रही हूँ हार्डीज, यू नो थोड़ा डिफरेंट फूड ट्राई करने। ओके आज मैं आप लोगों को कितनी फनी बात बताने लगी हूँ। मैं बड़े प्राउड से हार्डीज गई थी बट थोड़ा कुछ है कि वो बंद है, तो इतनी बेइज्जती हुई है। गजब बेइज्जती है। इतनी बेइज्जती है कि मजबूरन मैकडॉनल्ड्स आना पड़ रहा है, जितों दिख होती है उतनी आखल होती। और गाइस फाइनली हम लोग निजामाबाद पहुंच गए। आकर मुझे इतनी नींद आई थी कि मेरे जहन में नहीं था कि क्या ब्लॉग क्या कुछ बनाना, मैं सो गई थी बस। ठीक है, मम्मा इधर घूम रही हैं और सब अपने अपने रूम में सो रहे हैं और जो बाबा हैं वो टीवी देख रहे हैं। सो मम्मा उधर बैठ गई हैं। सो अब सो क्या आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।